नमस्कार, स्वागत है एपीएल लाइव 24 में। मैं हूं विलियम तनातारा, एपीएल लाइव का संवाददाता। तो पिछले कई दिनों से हमारे जो आईटीडब्ल्यू वाले हैं वो यहाँ पे आईजी पार्क टेनिस कोर्ट पे यहाँ पे पीसफुल धरना कर रहे थे। तो आज वो लोग का पांचवा दिन है। तो पांचवा दिन में हमारे जो आईटीडब्ल्यू वाले हैं वो अपना पीसफुल धरना को जो है ऑफ करा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट से किस तरह का बात हुआ है उन लोग से, और जो गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सर आईटीडब्ल्यू वाले लोग जो है आज जो बंद कर रहा, तो इनके बारे आप थोड़ा बताएं, और साथ ही साथ और उसके बाद गवर्नमेंट से किस तरह से आप लोगों का जो डीलिंग हुआ है इनके बारे आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया का थ्रू से हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुँचा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कॉल ऑफ को बोला जाने से हम लोग 23 से शुरू था अगस्त का, तो आज 5 दिन हो गया। तो आज 5 दिन का बाद हमारा ये अन्या प्रेसिडेंट और ये डीसी सर लोग हम लोग को मीटिंग बिताया उसका ऑफिस में। तो बिताने के बाद हम लोग डिस्कस किया है कि सरकार से क्या बात करना है, और डीसी ने बोला है कि हम लोग का जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचा देंगे। और तीसरा बात जो है, अभी 30 को सरकार लोग जो चीफ सेक्रेटरी अंडर में वो लोग मीटिंग बिठा होगा, तो उसमें से हम लोग का ट्रैफिक वार्डन को भी 2 को आने के लिए बोला है, 3 को। तो उसी चलते हम लोग पता चलेगा कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो फिलहाल अभी कॉल ऑफ किया है, क्योंकि एज ए डीसी, एज ए इल्डर अगर वो कॉल ऑफ किया है तो कुछ अच्छा सोच के किया होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट जो है अभी ख़त्म नहीं है एक्चुअली बोलने से। तो अभी हम लोग रिज्यूम देखे, थोड़ा सरकार को भी टाइम देना चाहता है, इसी के लिए हम लोग रिज्यूम दिया है। तो देखता है अगर 30 का बात अगर पॉजिटिवली रिजल्ट पीरियड नहीं आता है, और जैसे कि आपका 2011 से आज तक 21 में आप लोग एश्योरेंस देते आया, वर्बली बात करते आए, ये हम लोग सुनने वाला नहीं है। एश्योरेंस और रिटर्न का साथ डिपार्टमेंटली मेंशन करके देना है कि ये ट्रैफिक वार्डन जो है होम डिपार्टमेंट का है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है। तो वो चीज़ को हम लोग को कल क्लियर करके अगर देता है तो हम उन लोग को फाइनल करेंगे, अगर कंटिन्यू धरना बैठना नहीं बैठना उसी तरह से हम लोग बताने मिलेगा। तो सर हमारे जो जो वासी है कैपिटल रीजन के, और जो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है काफ़ी मदद किया है, तो काफ़ी सपोर्ट किया है। तो आप जो है जनता को आप क्या कहना चाहते हैं अपने तरफ से? जनता से मैं शुरू से थैंक्स कहते आया हूँ सपोर्ट करने के लिए, और आप लोग का आज भी आप लोग का थ्रू से हम लोग को सपोर्ट मिल के आज हम लोग का उमंग जो है वो लोग को बातचीत करने के लिए तक आप लोग पहुँचा दिया। हम भी विश्वास है आप लोग का थ्रू से हम लोग भी जीत हासिल होगा बोल के विश्वास करते हैं। और जनता से भी ये बात करना चाहूँगा, जो भी 5 दिन में ट्रैफिक जाम या कहीं में अगर कुछ भी प्रॉब्लम था उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं था पब्लिक को, और हमारा थोड़ा सा नाराज था कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से था जो कि इतना साल से आपको सर्विस दे रहा है और आपका ये सड़क को देखभाल कर रहा है, तो उसी चलते हम लोग का जो 2 चैप्टर ऑफ डिमांड को सक्सेसफुल नहीं कराने के वजह से हम थोड़ा नाराज़गी थोड़ा उतर गया था। तो अभी सरकार ने हम लोग को बुलाया है मिलने के लिए 30 अगस्त को, तो डीसी सर ने आया हम लोग को कॉल ऑफ करो अपना घर में रेस्ट करने के बोला है, तो इसीलिए हम लोग आज थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कॉल ऑफ बंद कर दिया है। तो सर अगर मतलब इन फ्यूचर अगर आपका जो 30 का बात अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ अगर आउटकम नहीं आता है तो फर्दर आप लोग क्या करेंगे? फर्दर स्टेप तो मैं थोड़ा पहले भी ब्रीफिंग में बताया था, फर्दर स्टेप जो अभी धरना था, अभी इंडिपेंडेंट धरना था वो चलते रहेगा। चलने के बाद हम लोग हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस समय में कि अरे ये लड़का लोग को ऐसा नहीं बोलने सीखता, ऐसा नहीं करते नहीं सीखता, ऐसे होने का भी चांसेस है। तो क्योंकि हम लोग का सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, फैमिली को लेके, अपना फ्यूचर को लेके बहुत सिचुएशन खराब चल रहा है। तो उसी चलते अगर गवर्नमेंट पॉजिटिवली नहीं लेता है तो विद इन नो टाइम में हम लोग यहाँ बैठक हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा धरना।